Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Vapi. So dear student, jaisa ki hamara chapter 10, now haloalkane and halorine. Haloalkane and halorine chal raha hai, to aaj hum part 7th mein is chapter ko aage badha rahe hain. और जैसा कि लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्किन हमने स्टडी किया, जिसमें बीटा एलिमिनेशन, SN1, SN2, न्यूक्लियो यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद द मेटल, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फेटिग रिएक्शन एंड फेटिग रिएक्शन के अबाउट डिस्कशन चला था हमारा. एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें यहाँ पर तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह सकते हो. तो एक कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब टुवर्ड द प्लेन प्लॉयलाइट कैसा नेचर होता है, उसके अबाउट डिस्कशन चलेगा. काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम आइसोमेरिज्म पढ़ते आ रहे हैं, अगर देखा जाए स्टैंडर्ड 10th में भी इसके थोड़े नेम दिए गए हैं, स्टैंडर्ड 11th में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस पॉइंट को बताया गया है. तो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ से तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो अब तक आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, चेन पोजिशनल फंक्शन टाटोमेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फेसियल एंड मेडियोनल सी ट्रांस. फेसियल मेडियोनल आपका कॉम्प्लेक्स में आएगा चैप्टर नंबर 9 एंड बट नाउ सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 12 में स्टडी कर चुके हैं. सो देन वहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ करके आपको समझाया था कि एक न्यू आइसोमेरिज्म है नया, इज कॉल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हम हर सेकेंडरी मतलब स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर 10 में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लेन प्लाई लाइट्स क्लियर एंड चिरल सेंटर, कायरल कार्बन, आइसोमेट्रिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज आया था, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नाउ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब हमने SN1 SN2 स्टडी किया स्टूडेंट, देन दैट टाइम वहाँ पर हमने टू वर्ड यूटिलाइज किए थे, वन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड सेकेंड इज रिटेंशन एंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन. और मैंने वहाँ पर ये भी चीज़ को समझाया था कि जब SN2 रिएक्शन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट देता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, बट SN1 में मिलता है क्या रेसिपी मिक्सअप, मीन दोनों टाइम के कंपाउंड हो सकते हैं, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ बोथ काइंड ऑफ लाइक SN1 एंड SN2. सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए समझना पड़ेगा तो यहाँ पर पॉइंट्स हैं क्या, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर. ऑप्टिकल आइसोमर तो ऑप्टिकल आइसोमर का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टूवर्ड द प्लेन प्लॉय लाइट क्या मिशन करता है, नाउ रोटेट टू द प्लेन प्लॉय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर. सो इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बोलते हैं. सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रोटेट टू द प्लेन पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस
and this phenomenon is called optical isomerism. सो किसी कंपाउंड पर अगर हम प्लेन फ्लाईलाइट पास कर रहे हैं स्टूडेंट, और वो कंपाउंड आने वाले पार्टिकल ऑफ लाइट प्लेन फ्लाईलाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है तो उसे मोड़ देते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इस फेनोमेना का नेम ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है. एंड कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट इज ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कंपाउंड. सच टाइप ऑफ कंपाउंड is called optical active compound. इस टाइप के कंपाउंड को नेम हम देते हैं, इंप्लाइज करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. सो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड प्लेन फ्लाईलाइट. तो बात करेंगे अपन, सो ऐसा हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेचर है या है या नहीं है, तो किस टाइप के कंपाउंड में होगा. तो ऑप्टिकल एक्टिविज्म को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा असिमेट्रिक कार्बन. असिमेट्रिक कार्बन अराइज द चिराल कार्बन दैट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइरल. सो बगैर इसके हम इस पार्ट में आगे नहीं बढ़ सकते. ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हमें असिमेट्रिक कार्बन, चिराल कार्बन, समटाइम इज कॉल स्टीरियो जेनिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर. सो स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ पर काइरल कार्बन की. द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन कार्बन एटम दैट अटैच विथ फोर डिफरेंट एटम एंड फंक्शनल ग्रुप is called chiral carbon. It is also called asymmetric carbon or stereogenic center. Word chiral derived from Greek word chiral. काइरल से आया है जिसका मीनिंग होता है काइरल मीन्स हैंड एंड फुट. तो चिराल वर्ड स्टूडेंट काइरल से आया ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है हैंड एंड फुट. तो आपको यहाँ पर हैंड एंड फुट और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग समझेंगे. सो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंड देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस टाइप के कंपाउंड ऑब्जर्व होगी. What kind of compound can rotate to the plane of light? Only that carbon compound having what kind of chiral carbon. So student, ये isomerism सिर्फ उन organic compound में आएगी जिसमें chiral carbon होगा, मतलब chiral carbon होगा. Chiral carbon का meaning एक ऐसा compound जिसमें एक कोई एक ऐसा नहीं, सबके लिए नहीं है, कोई एक ऐसा carbon जिसके पास चार डिफरेंट एटम ग्रुप ऑफ एटम मालिक्यूल्स और फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसे काइरल कार्बन करते हैं. एज ए एग्जांपल मैंने राइट कर दिया टू ब्रोमो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर CH3 है, CH है, CH2 है, CH3 है और ये ब्रोमीन है स्टूडेंट. तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 सेकेंड पे ब्रोमीन है. हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर कौन आया हाइड्रोजन, इधर है CH2 एंड CH3, इधर है क्या CH3. सो स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये हमारा कार्बन जो है वो काइरल कार्बन है. मीन्स 1 2 3 एंड 4 चार डिफरेंट ग्रुप हैं.
सो इस कंपाउंड पर अगर हम लाइट पास करते हैं तो पार्टिकल ऑफ लाइट को रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज या फिर आइदर एंटी क्लॉकवाइज। सो सच काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। सो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किनको बोलते हैं, जो प्लेन प्लॉय लाइट के टूवर्ड रोटेशन दिखाते हैं, मतलब रोटेट कराते हैं लाइट को क्लॉकवाइज या फिर आइदर एंटी क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट, हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑप्टिक आइसोमरिज्म क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किसको वर्ड देते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, नाउ दैट इज द कायरल कार्बन। आई होप कि यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्योंकि इसके बगैर आप आगे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपको, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कायरल कार्बन पर। वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कायरल कार्बन का यहाँ पर ब्रिटिश वर्ड में मीनिंग है चिराल। चिराल का मीनिंग होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में वन कार्बन अटैच होते हैं फोर डिफरेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। सो अब हमारा पॉइंट्स आएगा क्या, PPL ऑप्टिकल जो एक्टिव कंपाउंड है उनका PPL जो वर्ड यहाँ आ रहा है प्लेन प्लाइड लाइट, इसका मीनिंग क्या है और कैसे हम इसको बात करें तो प्लेन प्लाई लाइट को कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, जबकि हमारी ऑर्डिनरी लाइट डिफरेंट होती है। सो द पार्टिकल ऑफ ऑर्डिनरी लाइट vibrate in all plane with different with different wavelength। तो जो नॉर्मल लाइट होती है स्टूडेंट, जहाँ पर हम लोगों के घर में, जहाँ पर रूम में हम बैठ के पढ़ते हैं, जो भी सेफल होता है, रूफ लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, इन लाइट को हम वर्ड देते हैं क्या, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। इनकी आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। कैसा, ट्यूबलाइट जैसे हो गया, कोई सोर्स ऑफ लाइट हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसके अराउंड होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते कम होती जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि उस लाइट से निकलने वाले जितने भी फोटोन हैं सबकी एनर्जी डिफरेंट है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट हो गई। अब हमारा काम क्या है, प्लेन लाइट उसको तब बोलेंगे जब उस लाइट से निकलने वाले सारे पार्टिकल की वेवलेंथ सेम हो और एक ही प्लेन में हम क्या करें, वो वाइब्रेट करें। व्हेन ordinary light passed by Nicol prism then all particle of light start to vibrate with equal wavelength in all direction, it is called plane polarized light, it is called plane polarized light, in short that is called PPL, in short it is called PPL plane polarized light। अभी plane polarized light हो गए यहाँ पर, meaning क्या है, मैं आपको simple से by diagram दिखा रहा हूँ। तो ऑर्डिनरी लाइट कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा हम लोगों के हाउस होल्ड में यूटिलाइज होता होगा वही होता है। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब से हम ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन प्लेन लाइट एंड देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मर का रिलेशन हम बताएंगे। सो
सोर्स ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट हमने एक सोर्स ऑफ लाइट हमने डिटेक्ट कर दिया, यहाँ से ये फोटोन एलिमिनेट हो रहे हैं इधर, और ये लाइट जो है देखेंगे तो यहाँ के पार्टिकल जो होंगे लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में, मीन्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में भी डिफरेंट वेवलेंथ से ट्रेवल करेंगे, एंड देन दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। जब ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करेंगे यहाँ से, तो फिर ये पार्टिकल जब पास होंगे बाय निकोल प्रिज्म, तो देन निकोल प्रिज्म दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर, ये क्या करता है, सारे पार्टिकल जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हैं उनको इक्वलाइज कर देता है। टी है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म कैल्साइट का बना होता है, कैल्साइट दैट इज द मेटल और नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ से ये हो गए PPL, प्लेन प्लाई लाइट, मतलब प्रिज्म का काम है कि हर लाइट के पार्टिकल की वेवलेंथ को इक्वलाइज करना। इक्वलाइज करने के बाद जब हम इसको किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, उस पर से पास करें, जैसे मैंने यहाँ दिया आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, राइट, और यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। अब कायरल कार्बन हो गया तो ये क्या करेगा, ये आने वाले जब प्लेन प्लाई लाइट इस पर पास करेंगे तो इनको घुमाएगा, रोटेट कराएगा, कहाँ कराएगा, क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो उसका हम मिरर इमेज देखें, अगर मिरर में देखते हैं तो हमें वो जस्ट इसका एंटी नज़र आएगा। एंटी नज़र आने का मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हमें मिरर इमेज देखेगा उसका कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट इज डिनोटेड बाय डी आर प्लस साइन, दिस वन इज डी आर माइनस साइन, और हम इसे व्हाट नेम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्ट्रो रोटेटरी एंड दिस वन इज कॉल्ड लिवो रोटेटरी। सो ये डेस्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी कंपाउंड हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। स्टूडेंट केयरफुली आप डायग्राम देखेंगे, ड्रॉ करेंगे उसको, क्लियर। सो PPL प्लेन प्लाई लाइट क्या होता है, एक ऐसा लाइट सोर्स जहाँ से निकलने वाले सारे पार्टिकल की वेवलेंथ इक्वल हो, तो मैंने ये कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया, और यहाँ से पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे हम लोग। हम कायरल कार्बन समझ चुके हैं, तो फिर देन आफ्टर व्हाट आई मीन ऑफ डेस्ट्रो लिवो रोटेटरी कंपाउंड एंड बोथ इज कॉल व्हाट इज दिस, एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, इनांशोमर, इनांशोमर होते हैं। सो डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रोन एंड लिवो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो लिवो रोटेटरी कंपाउंड का मीनिंग, इफ कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इफ कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रोटेट टू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन clockwise direction is called dextrorotatory compound, but if rotate to the anti-clockwise direction
anti-clockwise direction is called levorotatory. Dextrorotatory denoted by D or plus sign, and levorotatory denoted by L or minus sign. तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया डी प्लस और लीवो रोटेटरी हो गया हमारा कैसा एल आर माइनस साइन. क्लियर स्टूडेंट? सो दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमिज्म के अबाउट रिलेटेड नॉ प्लेन प्लाई लाइट पीपीएल एंड डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स. एंड देन आफ्टर इसके बाद न्यू पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग. सो स्टूडेंट, प्लेन प्लो लाइट आप केयरफुली सारे डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करेंगे एंड डेक्सो लिबो रोटेटरी क्या कंपाउंड है उसका मीनिंग आप समझेंगे. देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर जिस पॉइंट के अबाउट, वो है रासमिक मिक्सर. सो स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम लिबो और डेक्सो पढ़ने के बाद अगला पॉइंट हमारा जो टर्म इससे रिलेटेड हम पढ़ना चाहेंगे रासमिक मिक्सर एंड रेसमिक मिक्सर रेसिमाइजेशन एंड रेजोल्यूशन. तो रेसमिक मिक्सर है क्या स्टूडेंट? रेसमिक मिक्सर होता है द एक्विमोलर मिक्सर ऑफ द एक्विमोलर मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिबोरोटेटरी देखिए वाला मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिबो रोटेटरी कंपाउंड इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सर. मतलब 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिबो रोटेटरी कंपाउंड को हम मिक्स कर दें तो जो हमें मिक्सर मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सर. रेसमिक मिक्सर में 50% डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज घूमने वाले कंपाउंड का प्रोपोर्शन होता है, 50% एंटी क्लॉकवाइज का होता है. ऐसे केस में हम देखें तो रेसमिक मिक्सर इज ऑप्टिकल इन एक्टिव. ऐसे देखा जाए तो रेसमिक मिक्सर क्या है, इज ऑप्टिकल इन एक्टिव है. क्लियर? सो स्टूडेंट, अब हम इस पॉइंट को ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों, क्योंकि 50% डेक्स्ट्रो है 50% लिवर, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल, नेट रोटेशन जीरो, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया. एंड देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी कंपाउंड इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन आप डेक्स्ट्रो एंड लिबो रोटेटरी कंपाउंड फ्रॉम रेसमिक मिक्सर
is called resolution. That is called resolution. So, ये point हमारा हो गया resolution, resimization, resolution. So, student, next to liver rotatory compounds हो गए हैं, हमारा plane play light हो गया, right? पढ़ने के लिए तो J NEET के लिए बहुत सारे पार्ट हैं इसके मेसो कंपाउंड है, डाइस्टीरियो आइसोमर है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. बट बोर्ड के पॉइंट आप भी इससे जाओ, जे क्लास में होगा, बोर्ड के पॉइंट आप भी इससे जाओ तो ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने याद रखना है कि रेसमिक मिक्सर का इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रो लिबो रोटेटरी कंपाउंड, रेसिमाइजेशन 50% डेक्सट्रो और लिबो को मिक्स करने की प्रोसेस है, एंड रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस है दैट इट लाइज फॉर द सेपरेशन ऑफ डेक्सट्रो लिबो रोटेटरी कंपाउंड फ्रॉम रेसमिक मिक्सर. एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे इस पॉइंट में रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, प्लस हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड डेक्सट्रो रोटेटरी है या लिबो रोटेटरी है उनके अबाउट. सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम यहाँ इनान्सियोमर. फर्स्ट ऑफ ऑल इनान्सियोमर मेसो कंपाउंड एंड डाई स्टीरियो आइसोमर. सो इनान्सियोमर मेसो कंपाउंड डाई स्टीरियो आइसोमर. सो व्हाट अ मीनिंग ऑफ दिस कंपाउंड. इनान्सियोमर का मीनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड having chiral carbon form. अब हम इसको वर्ड जैसे कि the organic compound या the optical active compound, chiral carbon form mirror image of each other but not superimpose is called, but not superimpose is called enantiomer. If compound form mirror image, but superimpose is called meso compound, is called meso compound. तो कंपाउंड अगर सुपरइम्पोज होता है और मेश तो उसमें सो कंपाउंड मिरर में बनाए या नॉन सुपरइम्पोज हो तो उसे हम इनान्सियोमर बोलते हैं. इफ कंपाउंड डज नॉट फॉर्म मिरर इमेज, if compound does not form mirror image and not superimpose, na to mirror image form kar raha hai na superimpose hai, not superimpose but shows optical activity is called diastereoisomer. So तीन पॉइंट मैंने यहाँ राइट किया है स्टूडेंट. एक तो है आपका इनान्सियोमर diastereoisomer. मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर. एज एग्जाम्पल वन मैंने ये कंसिडर कर दिया, क्या ये हो गया मिरर. कंपाउंड को हमने दिखा दिया यहाँ पर लाइक
एल्कोहल के कंपाउंड को हमने ले लिया, यहाँ पर दो दो चीज काइरल कार्बन है स्टूडेंट, ये भी है और ये भी है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 और ये पूरा डिफरेंट है, इसके रिस्पेक्ट में सेम वही। इसका मिरर इमेज बनाएंगे और हम दिखाएंगे क्या ये किस CH3 है, C है। अब OH हो गया, OH हो गया, H हो गया, H हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दैट इज कॉल्ड इनांशुमर। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ज्योमेट्री हो गई। इसी का दूसरा एग्जांपल इसी कंपाउंड को ले रहा हूं मैं, जहां पर CH3 हमारे पास है, CH3 है, C है, और यहां देखेंगे हम OHS है, OHS है, ये थर्ड कंपाउंड में ले लिया और यहाँ इसका फॉर्म कर दिया हमने मिरर इमेज। सो फॉर्म होगा CH3 C, OH, 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 OH. सो इन सच केस इट फोर्थ पॉइंट। सो स्टूडेंट देखो, ये कंपाउंड इसका मिरर इमेज है, एक के ऊपर एक रखे स्टैकिंग कराएं तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है, बट नॉट सुप्रीम पोज। जैसे ये देखो स्टूडेंट, अगर हम देखें अपने राइट हैंड के क्लॉक को दिखाएं तो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड नजर आएगा, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सेम राइट इमेज है, बट नॉट सुप्रीम पोज। सुप्रीम पोज वर्ड दैट्स इंडिकेट जब हम इसकी स्टैकिंग कराएं, नॉट इस फ्रंट ऑफ वन का पॉइंट से लाइक सैचुए, इसे सुप्रीम पोज, एक के ऊपर एक स्टैकिंग कराएं तो देखेंगे सामने से सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट, बट जब सुप्रीम पोज करा रहे हैं तो सेंटर की फिंगर मिल रही बाकी नहीं। सेम पॉइंट्स यहाँ पर स्टूडेंट केयर करेंगे हम, कि अगर हम इस कंपाउंड को देखें, ये इसका मिरर इमेज है, इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो OH के टच में है, OH के टच में आएगा, नॉट सुप्रीम पोज। तो ये क्या हो गया, इनांशियोमर, ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज इनांशियोमर, इनांशियोमर हो गए। दूसरा मेसो कंपाउंड, अगर ये इस पर सुप्रीम पोज जाता है तो उसे मेसो कंपाउंड बोलते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं बोलेंगे, राइट। लेकिन डाइस्टियोइसोमर का मीनिंग ऐसा कंपाउंड ना मिरर इमेज बनाए ना सुप्रीम पोज हो, बट मतलब ना तो इनांशियोमर हो फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिव हो। तो मैं आपको बता दूं कि डाइस्टियोइसोमर की कंडीशन मतलब लाइक फर्स्ट जो फर्स्ट कंपाउंड है इज ए डाइस्टीरियो आइसोमा ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, सेम सेकेंड इज ऑल्सो दिस, थर्ड इज ऑल्सो बोथ। तो डाइस्टीरियो आइसोमर मतलब ये इन दोनों का डाइस्टीरियो आइसोमर है, ये इन दोनों का है, ये इन दोनों का डाइस्टीरियो आइसोमर है। मिरर इमेज नहीं बनाएगा, ना तो इनांशियोमर है ना तो मेसो कंपाउंड है, तो जो ना सुप्रीम पोज हो ना इनांशियोमर बनाए, दैट इज कॉल्ड डाइस्टीरियो, बट वो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, तो डाइस्टीरियो आइसोमर होगा स्टूडेंट। सो ये पॉइंट्स हो गया हमारा अबाउट द इनांशियोमर, मेसो कंपाउंड एंड डाइस्टीरियो आइसोमर। अब हम बात करेंगे जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा, वो है रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये कहेगा RS नॉमेनक्लेचर, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कोई कंपाउंड किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा या नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ये टर्म्स है हमारा। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन का मीनिंग देखा जाए यहाँ पर, तो रिटेंशन,
अगर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होंगे, यहाँ पर भी पॉइंट्स होंगे, तो रिटेंशन वर्ड किसके लिए दिया गया है और क्या पॉइंट्स होता है? सो इफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट, इफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन केमिकल रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट, इफ सिमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इज सेम like reactant is called retention of configuration. But if structure of product is different from a reactant is called inversion of configuration. तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन दो पॉइंट्स हैं किसी भी स्टीरियो केमिकल रिएक्शन में, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जब रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन के बाद और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो रिटेंशन बोला जाएगा इन्वर्जन। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन हमें डिटेक्ट करने के लिए कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन भी दिखाने पड़ेंगे और जहाँ पर हम देखेंगे इस पॉइंट को नेक्स्ट। तो इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता क्या है इसके अबाउट जाएंगे। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन, सो स्टूडेंट हम बात करेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन लेंगे। सो स्टूडेंट इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं हम, जिससे हमारे पास एक कंपाउंड रिएक्टेंट है ए बी एंड सी, ये इसका हैलोजन न्यूक्लियोफाइल है। हम इस पर वाई के अटैक करने के दो प्रोसीजर हैं, एक ये अटैक कर रहा है और यहाँ पर सी बन रहा है और इसकी ज्योमेट्री बदल गई, ए बी सी और ये वाई आ गया, एक्स एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर कैसा हुआ कि ये है बी है सी है और ये सी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया वाई आ गया और ये एक्स निकल गया। तो मीनिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों हैं दोनों की ज्योमेट्री कैसी है, सेम है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। और ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर डिफरेंट है इस टैकिंग कराएं तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो एक रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो गया, इन्वर्जन मतलब ये रिएक्टेंट है यहाँ का और ये रिएक्टेंट की ज्योमेट्री इन प्रोडक्ट इससे और इससे एक से सिमिलर है, एक दूसरे डिफरेंट, जिससे सेम है वो हमारा हो गया कैसा रिटेंशन और जो डिफरेंट है वो इन्वर्जन। सो स्टूडेंट आज हम इस पार्ट में बस इतना ही। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।